एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन। तो कैसा रहा हमारा करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन, तो वो आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो जैसे कि पता है, सब माँ ऐसा ही करती हैं और सब पत्नियाँ भी ऐसा करती हैं, उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो मेरी बेटी भी गई है स्कूल और पति देव भी गए हैं स्कूल अपने पढ़ाने के लिए। तो घर कुछ इस तरीके से मैसी रहता है, मतलब मेरा जो बेड है वो कुछ ज्यादा ही मैसी है। और सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी थी, झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी, लेकिन जो बेड है वो कुछ इस तरीके से मैसी है। और इस पे रखा हुआ है हमारा लहंगा और हमारी साड़ी, जो कि मैं दिवाली और करवा चौथ के लिए ली, मतलब लहंगा जो है करवा चौथ के लिए स्टिच होके आ चुका है और जो साड़ी है वो हमारी दिवाली के लिए रेडी हो चुकी है, आ चुकी है। ब्लाउज भी उसका सिलने को पड़ा है और फॉल पिको होकर आ गई है। तो यहाँ पे मैं काम भी कर रही थी लैपटॉप में, तो अपना लैपटॉप भी मैंने उठा कर रख दिया है, तो इसको अपनी जगह पे रखूंगी। टेबल पे मैं लगा कर रखती हूँ लैपटॉप को दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को अच्छे से सेट कर रही हूँ और आज मैंने बेडशीट को दबाया नहीं है, चारों तरफ से खोल के बिछाया है। और आज मैं नहीं बिछा रही हूँ नई वाली बेडशीट, मैं कल बिछाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर दे रही हूँ जैसे मैं रोज कर देती हूँ ठीक वैसे ही। और लहंगा और साड़ी मैंने नीचे ही रख दी है, ताकि थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मेरी जो साड़ी है जो मैं दिवाली के लिए ली है वो कैसी लग रही है, और बताना जरूर फिर कैसी लग रही है। फिलहाल तो आप अपना जो काम है मेरा वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस वाले रूम में जो टेबल लगा के रखी है, यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप लगा दूंगी। और ये सारा काम करने के बाद फिर मैं अपना दिन शुरू करूंगी और अच्छे से, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो हमारा हो ही चुका था सुबह ही, क्योंकि मैं सुबह ही कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं कर लेती हूँ। बेड कितना भी मैसी होता है मैं वो पहले समेटती हूँ, लेकिन वो इतनी जल्दी से नहीं समेट पाता क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा, अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा मैसी कर देते, फैला देते हैं। और आजकल मैं नाश्ता पहले कर लेती हूँ और बेड वगैरह सब बाद में क्लीन करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि थोड़ी देर बाद आध्या को भी लेने जाना है मुझे स्कूल से। तो यहाँ पे दूध है उसका मैं बॉईल कर दे रही हूँ, तो ये दूध बॉईल भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, वो आते ही दूध मांगती है। और यहाँ पर मैं जो आपको लहंगा दिखाने वाली हूँ उसकी चुन्नी मैं निकाल के रख ले रही हूँ। और बैग देखिए, कल मैं मार्केट गई थी तो बैग एक सब यही रखा हुआ था, मैंने अंदर रखा ही नहीं था। तो उसकी चुन्नी है येलो कलर की, तो ये मैं अभी तय करके रख दे रही हूँ। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी, तो इसीलिए मैं सब निकाल निकाल के रख रही हूँ। और जो आप देखते हो ना बेड के चारों तरफ कोनों में रेड रेड सा क्या लगा रहता है, आप लोग पूछते हो, तो जी हाँ, इसमें ईट है, ईट होती है ना, ईट को मैंने एक प्लास्टिक की जो रैगजीन आती है उससे मैंने कवर किया है और उसको लगा रखा है ताकि अच्छी लगे। तो बस ऐसे ही जुगाड़ है, हम इंडियन जुगाड़ ही करते हैं। तो आगे किचन में आलू बॉईल करने रखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे आलू पालक की सब्जी बनानी है पालक को पीस कर। तो यहाँ पहले मैं आलू बलने रख दूंगी और पालक को मैंने साफ कर लिया है, धुल लिया है, और धुलने के बाद पालक को भी उबलने रखूंगी।
यहाँ पर मेरी जो पालक है वो उबल चुकी है, इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था पानी में, और मैंने इसको थोड़ी देर ही पानी में उबाला है, इससे ये हरा हरा बना रहेगा, काली नहीं पड़ेगी। और इसको मैं निकाल ले रही हूँ, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और इधर कुकर में मैंने आलू जो है वो भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो उनको भी निकाल लूंगी। तो ये सारा काम करने के बाद ये ठंडा हो गया है मेरा, मतलब छान के रख लिया है ठंडा होने के लिए। और इधर मैं आलूओं को भी निकाल लूंगी क्योंकि इसमें भी सीटी लग चुकी है। और बस अब मैं आलूओं को इसमें प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपनी बेटी को भी लेने जाना है, टाइम हो गया है, तो मैं स्कूल से उसको लेकर आती हूँ, इसलिए मैं इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब मैं लेकर आऊंगी स्कूल से, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम आकर खाना बनाएंगे। तो 11:15 हो चुके हैं, और बस यही एक टाइम होता है, मतलब 11 तक मैं आधे को ले आती हूँ, तो उसको मैं ले आई हूँ। और थोड़ी देर उसके साथ मस्ती वगैरह की है, उसकी ड्रेस चेंज कर दी है, यानी यूनिफॉर्म चेंज कर दी है, और वो देखो कितनी शरारत करती है, आते ही उसकी शरारतें शुरू हो जाती है। तो बस मैं आ गई किचन में फिर से, और आलू भी ठंडे हो चुके हैं, तो आलू भी ठंडे हो चुके हैं और पालक भी ठंडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं पालक को मिक्सी जार में डालकर पीस लूंगी, क्योंकि इसका मुझे एक बारीक पेस्ट बनाना है। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा, मतलब 2 ग्रीन चिली, और आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ 2 ही डाल रही हूँ। और अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी डाल सकते हैं। और मुझे बहुत जोर का कोल्ड हो रखा है, फीवर भी आया था मुझे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब, तो मेरी आवाज़ को बिल्कुल माइंड मत करना, बहुत जोरों का कोल्ड है मुझे, इस वजह से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी लग रही है। तो ये देखिए पिस गया है, और पिसने के बाद अब मैं आलूओं को भी छील लूंगी, ये भी ठंडे हो चुके हैं, और मैं इसको प्याज से तड़का दूंगी। तो मैं बारीक बारीक प्याज चॉप करने के लिए इस चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा चॉपर है, हमेशा बताती हूँ, बात काम को बहुत इजी बना देता है। तो मैं इसको फाइन चॉप कर लूंगी, और आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मैंने लहसुन ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल दूंगी, और इसमें उबले हुए आलू छील के मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, इससे थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी से हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। और उसके बाद मैं इसी कढ़ाई के ऑयल में मैं हींग जीरा और प्याज और हरी मिर्ची सब कुछ डालकर मैं प्याज को भून लूंगी, उसके बाद प्यूरी डाल दूंगी और प्यूरी को खोलने दूंगी, और जैसे ही अच्छे से खोलने लगेंगी हम इसमें ये फ्राइड किए हुए आलू भी डाल देंगे, बेसिक मसाले हैं वो भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और इसको कुछ मिनट पकाते हुए बनने देंगे।
पर हमारी आलू पालक की सब्जी ग्रेवी वाली बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो आलूओं को काट कर भी डाल सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही डाला था। और ये देखिए निकाल दिया है मैंने। अब मैं लगा लेती हूँ थाली आलू और चावल। मुझे ये सब्जी चावल के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, और मुझे रोटियों के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ और मैं भी खाऊंगी और आद्या को भी खिलाऊंगी, क्योंकि वो भी स्कूल से आ चुकी है, तो मैं उसको भी खिला दूंगी। और सच में गाइस ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगी थी। हाँ, थोड़ी सी तीखी कम थी, और मैंने तीखी इसलिए कम बनाई थी क्योंकि आद्या को भी खाना था, बेटी को भी खाना था मेरे, इसलिए। आप और भी ग्रीन चिली और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लंच है वो कर लेती हूँ। लंच करने के बाद मैंने जो कपड़े लगाए थे वॉशिंग मशीन में वो धुल चुके थे, तो मैं इनको फैला रही थी। और जब भी मैं कपड़े फैलाती हूँ तो आद्या मेरी हेल्प इसी तरीके से करती है, एक एक कपड़े उठाकर देती रहती है। मुझे झुककर उठाने ही नहीं पड़ते हैं, वो सारे कपड़े एक एक करके उठा के देती है। उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं मना करूँगी ना तो वो बहुत चिढ़ती है कि नहीं मुझे ये काम करने दो। तो एक एक कपड़े उठाकर देगी, ये मम्मी का, ये पापा का, ये मेरा, ये पापा के स्कूल जाने वाले, ये ऐसे, ये नए, ये पुराने, इस तरीके से सारी बातें करती रहती है और एक एक कपड़े उठाकर देगी। तो अच्छा भी लगता है, मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी वो छोटी सी शॉपिंग जो मैंने दिवाली के लिए की है और करवा चौथ की तैयारी जो मैंने करके रखी है वो। फ्रेंड, मैं अभी अपना सारा काम करके आराम से बैठी हूँ क्योंकि मैंने कपड़े भी सारे धुल लिए हैं, बाहर फैला दिए हैं। आद्या ने बहुत हेल्प की मेरी, है ना आद्या? थैंक यू। अच्छा, और आद्या ने मेरी बहुत हेल्प की है। आद्या अक्सर मेरे साथ इसी तरीके से हेल्प करती है, जब मैं कपड़े फैलाऊंगी तो मुझे एक एक उठा कर देगी। तो चलो, सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया है, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, चावल के साथ में बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। तो आद्या शांत हो जाओ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना वो लहंगा जो स्टिचो के आ चुका है। तो ये है वो लहंगा जिसकी चुन्नी मैंने सुबह अपनी अलमारी से निकाल कर उसमें तय करके रखी है, वो ये है। और ये रहा लहंगा मेरा, जो कि आप देख चुके हो बहुत बार मेरे वीडियोस में। तो कुछ ये इस तरीके से स्टिचो के आ गया है। और इसमें यहाँ पे लगाई है एक चेन, और ये इसमें मैंने एकदम सिंपल से छोटे छोटे से लटकन लगाए क्योंकि ज़्यादा ये हैवी है नहीं, ऐसे ही सिंपल सा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके के लटकन लगवाए हैं इस लहंगे में। तो ये है, और इसका जो ब्लाउज है वो बैक वाला है, यानी पीछे से बंद होने वाला, तो ये कुछ इस तरीके से सिल गया है। तो आगे से ये कुछ ऐसा है गला इसका, और पीछे से ये कुछ ऐसा है, और ये इसमें डोरी भी लगाई है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जब मैं इसको पहनूंगी कल, तब आपको दिखाऊंगी अच्छे से तैयार होकर। और इसके साथ चूड़ियाँ मिलवानी है मुझे, देखो किस तरीके से मैच होके आती हैं चूड़ियाँ मेरी। तो ये रहा करवा चौथ के लिए लहंगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो दिवाली के लिए ली थी, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई, वो है ये साड़ी।
ये है वो साड़ी, ये इसका पल्ला है और ये इसकी नीचे की है एम्ब्रॉयडरी। तो ये नीचे कुछ इस तरीके से आएगा लहंगे तरीके लहंगे के तरीके से। कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना। तो इसमें पीको और फॉल भी लग चुकी है, पीको भी हो चुकी है, कुछ ऐसी है ये साड़ी। और यहाँ से ये जुड़ा इसका पल्ला, तो कुछ ऐसा आएगा ये पल्ला इसका। और ससुराल में होंगी मैं दिवाली पे, सर वही मनाऊंगी, कुछ ऐसे आएगा ये। मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। तो कैसी लग रही है साड़ी मेरी जरूर बताना। तो ये थी मेरी दिवाली की शॉपिंग, हालांकि ना ही इसके लिए भी चूड़ियाँ मिली है और ना ही उसके लिए। तो आज मैं शाम को जाने वाली हूँ करवा चौथ की, जो शॉपिंग बची गई है मेरी वो पूरी करने, क्योंकि कल करवा चौथ है, कैलेंडर भी लाना है, पूजा का सामान भी लाना है और चूड़ियाँ भी मंगवानी है, मेहंदी कोन लानी है और बिंदी भी लानी है, बहुत सारी चीज़ें लानी है। तो चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ अपने कल के वीडियो में, कल के नहीं आज शाम वाले वीडियो में। फिर शॉपिंग करने जाऊँगी तो वो मैं फिर शूट करूँगी, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ये सब उठा कर रखती हूँ, आधे साड़ी शुरू हो चुकी है, नहीं तो आधे पूरी साड़ी की तहस नहस कर देगी। तो बाय 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 बाय, टेक केयर एंड गुड आफ्टरनून। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना, दिखाओ दिखाओ कैसी लग रही हो। हाँ हाँ आदि अभी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, सो क्यूट। बाय बाय।